हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी पूरे सुबह का टाइम है, तो बच्चे लोग के लिए मैं आज टिफिन में आलू बीन्स का भाजा बना रही हूँ। रोटी और आलू बीन्स का भाजा वो लोग लेके जाएंगे। तो चलिए सुबह से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो आज है मंगलवार, मंगलवार के सुबह। तो आलू बीन्स का भाजा और रोटी, बच्चे लोग आज टिफिन वही लेके जाएंगे और थोड़ा सा फ्रूट्स लेके जाएंगे। तो आज सुबह से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो टाइम 10 बज चुका है, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और अभी वो थोड़ा बहुत घर का काम है ऐसे ही। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, ये देखिए। और हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा फिर से गिरा दिया। बीच में बहुत कम ठंडा था, फिर से कल शाम से फिर ठंडा, मतलब तो बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो आज है मंगलवार, जैसे कि आपको बता दिया था शायद सुबह, मंगलवार है 21 जनवरी। तो अभी मैं लंच बनाऊँगी, 11:30 बज चुका है। तो देख सकते हैं चावल में बिठा दी हूँ और सोच सोच के क्या बनाऊँ। आलू और फूलगोभी का एक पतला सा करी टाइप, एकदम कम तेल मसाला में आज बनाऊँगी मैं। और पत्ता गोभी को मैं भाजी की तरह बनाऊंगी लहसुन डाल के। तो चलिए बनाते हैं, एकदम सिंपल बनाऊंगी क्योंकि अभी ठंडा में ज़्यादा तेल मसाला ऐसे तो हो जा रहा है। तो देखते हैं, कम तेल मसाला में बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। Thank you.
अभी बीच में एक दिन के बाद मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वो एक दिन पहले का है। तो उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। और हाँ, आगे भी आई थिंक एक हफ्ता तक मेरा ब्लॉग कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, आगे पता चल जाएगा क्यों नहीं ब्लॉग आएगा। तो आज मैं गई थी बेस्ट प्राइस, लखनऊ में है एक बेस्ट प्राइस नाम से एक मॉल है, यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, ग्रोसरी आइटम्स सब चीज़ मिल जाता है। तो आज मैं वहाँ पे गई थी, तो देख सकते हैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ उधर से। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, 8:15-20 ऐसे हो चुका है। तो जो मैं तड़का दाल बनाऊँगी, तड़का दाल तुअर का तड़का दाल बनाएंगे। तो पहले मैं इसको भिगा देती हूँ। ये भी मैं बेस्ट प्राइस से लेके आई हूँ, उधर ना सामान थोड़ा सस्ता मिलता है और अच्छा सामान देते हैं। ये दाल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज बेस्ट प्राइस से। यहाँ से आधा सामान मेरा निकल गया है ऑलरेडी। तो ये मीट मसाला है, कैच का मीट मसाला, ये प्राइस है इसका 70 रुपीस। ये देखिए, ये मुझे 59 के आसपास मिला है। और ये फोक डियो है, मेंस का है, तो ये 199 का पड़ता है, तो मुझे ये 110 का मिला है। सब चीज़ MRP से बहुत ज़्यादा कम रेट में हमको मिला है। और ये वाला शैम्पू हम यूज़ करते हैं केश किंग का, तो ये भी मुझे बहुत सस्ता में मिला, ये 210 का MRP है, ये मुझे 170 का शायद मिला है ये। और ये सॉप है मेडिमिक्स का, बाय 4 get 1 एक्स्ट्रा वो है, लेकिन ये भी मुझे सस्ता 180 का पड़ा है मुझे, 5 साबुन। कोलगेट भी बहुत सस्ता में मिला है, सारा चीज़ यहाँ पे सस्ता था। और इस बार हिमालय का मैं ये वाला फेस वॉश लेके आई हूँ, केसर फेस वॉश, एक ये है। ये सेवाया है, तो ये मुझे मैं 1 किलो लाई हूँ, इसका मुझे 63 या 60 के आसपास पड़ा है ये मुझे। और ये मैक्रोमैन, ये एक लेके आई हूँ, ये सब हस्बैंड का है, ये भी मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया तो ले आई। अरे ये पास्ता है, हाँ ये पास्ता ना वो सूजी वाला है, तो भी है। सूजी मुझे 42 रुपये का मिला 1 किलो, इसका MRP है 55। और हाँ, ये बेडशीट भी मैं लेके आई हूँ, ये बेडशीट है, और ये 2 पिलो कवर है, और ये 2 पिलो कवर मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ ऐसे ही। साथ मुझे 500 का पड़ा है। और ऐसे ही डब्बा में 3 लेके आई हूँ, ये मैं धो दिया है, ये नायसा का है, 3 डब्बा इसका 3 सेट था, तो 3 लेके आई हूँ। और ये वाला डब्बा का सेट मैं 3 सेट का लेके आई हूँ, ये उसका ऐसा डिजाइन है।
और इसमें सामान भी हम भर दिए हैं। इसमें सारे बिस्किट आइटम सब है, सारे बिस्किट, ये मूंग है, ये उधर से ये सब भी लेके आई थी, छोटा छोटा बिस्किट करके। इसका भी तीन सेट है, ये सबसे बड़ा है। इसके अंदर और दो सेट का है, ये तीन। ये भी मुझे 225 का मिला है, तीनों 225 का मिला है। ये रहा हमारा तड़का दाल, इसका रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।